बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करके देखिए, दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि 12 अक्टूबर को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खौफनाक घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है, जो पहले भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या वास्तव में सलमान खान के खिलाफ एक नया हमला है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी मित्र थे। अब इस दुश्मनी को फिर से ताजा कर दिया है। क्या इस वारदात के पीछे गहरी साजिश है? लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस तरह के काम करना किसी न किसी तरह से सलमान खान को सीधे संदेश देने के लिए किए जाते हैं। इसी बीच विवेक ओबरॉय का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। ये वीडियो पिछले साल फरवरी में दुबई के एक इवेंट का है, जहां विवेक बिश्नोई समाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा गूगल पर बिश्नोई समुदाय को खोजने की कोशिश करें, ऐसा दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे घर में, हर घर में हम बच्चों को गाय का दूध पिलाते हैं। उनकी ये बात सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रही है। कई यूजर्स ने विवेक के इस बयान पर टिप्पणी की है। एक यूजर ने लिखा, दुश्मन का दुश्मन लॉरेंस का दोस्त, तो दूसरे ने कहा वो अपना बदला ले रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि विवेक का ये वीडियो क्या सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच एक बार फिर से दुश्मनी को ताजा कर देगा? सलमान खान और विवेक ओबरॉय की दुश्मनी की कहानी किसी से छिपी नहीं है। साल 2003 में विवेक ने सलमान पर ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिश्ते को लेकर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था। इसी बीच अब बाबा सिद्दीकी की हत्या का और विवेक का वायरल वीडियो इन दोनों की पुरानी दुश्मनी को फिर से चर्चाओं में ला रहा है। क्या ये हत्या सलमान और विवेक के बीच की दुश्मनी को और गहरा कर देगी? ये सवाल सभी के मन में है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बॉलीवुड में विवाद कभी खत्म नहीं होते। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।